नाइन्थ क्वेश्चन है, हेलो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 335 cc। देखिए यहाँ पे गिवन है 24 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो देखिए यहाँ पे आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए इसे आप यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इसका फार्मूला बन गया ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आएगा। अब ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस बी दोनों में कॉमन, बचा क्या ए प्लस बी, ये ए प्लस बी यहाँ पे बचे गए और माइनस यहाँ पे आपका ए माइनस बी, तो ये आपका ए और आगे माइनस लग रहे, यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो क्या ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए से कैंसिल और बी प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2b, तो आप आगे यहाँ पे 2b लिख दीजिए, आपका हो जाएगा क्या आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 24 के बाद आप यहाँ पे 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है यहाँ पे 4x² + 1/4x² + 1, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए हम इसको हम क्या ले सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/, इसे भी हम 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसमें हम क्या करते हैं 1 को यहाँ पे, इसमें हम एक फार्मूला बनाने के लिए या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसी में आप यहाँ पे 2 ऐड भी करते हो और 2 यहाँ पे माइनस भी करते हो, तो 2 हम यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस 1 और माइनस 2 करते हैं। देखो ये था 2, इसमें हमने ऐड किया इस इक्वेशन में और 2 यहाँ माइनस भी किया, तो ये करने से वैल्यू उसके इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना आप ऐड करो उतना आपको माइनस भी करना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ तक फार्मूला बन गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 को हम यहाँ पे x इंटू 1/x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 में से माइनस 2 जाएगा कितना आएगा माइनस 1, और 1 को स्क्वायर लिख सकते हो आप, ये आपका फार्मूला बन गया। देखिए ये ए स्क्वायर और ये पूरा आपका बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी, बस ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है यहाँ पे 4x^4 - x² - 12x - 36, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4x^4 को हम लिख सकते हैं क्या 2x² का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका जो है इसमें इतने तीनों में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा x² + 12x + 36, ये इतना आएगा। अभी आप देखो इतना ये आपका फार्मूला बन रहा है 2x² का होल स्क्वायर लिख दिए माइनस, ये आपका फार्मूला बना है, देखो ए स्क्वायर प्लस 36 को हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे पे, अच्छा x² और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपका जो प्लस है 12 है, इसके यहाँ पे 2 × x × 6 देख सकते हो, देखो 6 × 2 = 12x आया ना वही चीज, तो ये आपका फार्मूला बन गया a² + b² + 2a, देखिए 2x² का होल स्क्वायर माइनस ये आपका बन गया क्या x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a² - b² का फार्मूला बन गया, आपने इसको लिख दीजिए आप ए प्लस बी, बी कितना है x + c, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों बन रहे हैं, इन दोनों को मेटा स्प्लिटिंग मेथड से आप फैक्टराइज कर लीजिए, मेटा स्प्लिटिंग मेथड में बताया ना, तो 2 फैक्टर यहाँ पे 2 फैक्टर यहाँ पे, 2 × 2 = 4, 4 फैक्टर इसके और आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसको तो आप कर सकते हो ना, इसका जब फैक्टराइज करोगे, इसका फैक्टराइज करने में आपको यहाँ पे x + 2 आएगा, x + 2 एंड 2x - 3 ये आएगा, और इसको फैक्टराइज करोगे तो आपका x - 2 एंड 2x + 3 आता है, यह आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5c आप लोगों का यहाँ तक फिनिश है, अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है। और जूम क्लासेस में भी आप वहाँ पे जो है ज्वाइन करिए, कुछ क्वेश्चन आपके जूम क्लासेस में भी बताए गए 5C से, वहाँ पे क्वेश्चन जो बताए गए वो यहाँ नहीं बताए गए। तो ये कोशिश करिए कि आप जूम क्लास को जो है डेली ज्वाइन करिए। ओके।